हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन को तो गोरा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसमें जितने भी दाग धब्बे हैं, फाइन लाइंस हैं, पिंपल्स हैं, सभी को रिमूव कर देगा। तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं हो और आप कंप्लीट इस मेथड को समझ पाओ। तो ये पूरा देखिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है और इससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पाउडर ले लिया है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, जितना लगाना है उतना ही लीजिएगा। जैसे कि अगर आपने हाथ और अपने गले में भी लगाना है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ फेस पर लगाना है, तो मैं 1 टीस्पून ही कॉफ़ी लिया है मैंने। तो अगर आपकी फ़ाइन कॉफ़ी है तो इट्स ओके, अगर नहीं है जैसे कि मेरे जैसे कॉफ़ी है तो आपने इस तरह से स्पून के हेल्प से इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। कॉफ़ी में हाई लेवल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन में से रिंकल पिंपल्स को दूर करके, जितने भी दाग धब्बे हैं सबको रिमूव करके ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाते हैं और जितनी से जितनी मैल को भी ये रिमूव कर देते हैं। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, फर्स्ट बार में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो यूज़ कीजिएगा। तो आपने ये डाल देना है, इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया, पाउडर फॉर्म में कर लिया, अगर आपकी पाउडर फॉर्म वाली है एक बार फिर से बोल दूँ तो इट्स ओके। बस इसके बाद आपने इसमें डालना है हनी। हनी हमारी स्किन को तो ग्लोइंग करती ही करती है, टाइट बनाती है उसको, जितने भी रिंकल्स हैं उसको दूर करती है और सॉफ्टनेस लॉक करती है आपकी स्किन की। तो आपने यहाँ पर 1/2 से 1 टीस्पून ही हनी डाल देनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 1/2 टीस्पून डालिएगा, अगर ड्राई स्किन है तो आप 1 टीस्पून हनी डालिएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने हनी डाल दिया है, इसको मिक्स कर लिया थोड़ा सा। इसके बाद अब आपने इसमें डालना है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी ही डालिएगा, ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहती है और आपके हेयर रिमूव की अनवांटेड जो हेयर है उसको भी रिमूव करती है, अगर बाई चांस आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो इट्स ओके, आप किचन वाली भी हल्दी डाल सकते हो। आपने यहाँ पर 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी डालनी है, यानी कि 1/4 टीस्पून, आधी का आधी चम्मच। उसके बाद आपने इसमें डालना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, 1 टीस्पून एटलीस्ट बहुत है, क्योंकि हमने इसमें आगे भी इंग्रेडिएंट डालना है और ये ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो भी बताती हूँ आपको क्या है, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और रोज़ वाटर जो है हमारी स्किन को तो ग्लोइंग करता है, साथ ही साथ उसमें जो फाइन लाइंस, दाग धब्बे हैं रिमूव करता है, गुलाबी निखरी हुई पिंकिश स्किन बनाता है। और हाँ जी दोस्तों, आप इसको वीकली एक बार यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देगा, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, पहली बार में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद अब आपने इसमें डालना है पील ऑफ मास्क। देखिए आपके पास जो भी पील ऑफ मास्क है वो आप डाल सकते हो, मेरे पास दो है, एक ऑक्सी ग्लो का है, एक एवर यूथ का है, आपके पास जो भी है आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। दोस्तों जो पील ऑफ मास्क पाउच वाला आता है आप वो भी इसमें डाल सकते हो, या तो फिर आप इसमें जेलेटिन का भी यूज़ कर सकते हो, जेलेटिन भी डाल सकते हो। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 1 टीस्पून बहुत है पील ऑफ मास्क, क्योंकि हमने इसमें हनी भी डाला। तो आपने ये डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ये इतना कमाल का, बहुत ही कमाल की रेमेडी है जो कि आपके स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं सबको रिमूव कर देगी। आप हर वीक इसको यूज़ करोगे ना तो काफ़ी अच्छा आपके स्किन में ग्लो आएगा, आपको पार्लर जाने की, फेशियल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी दाग होते हैं, जितनी मैल होती है ना स्किन की, वो पील ऑफ मास्क की हेल्प से निकल जाती है, सभी रिमूव हो जाती है। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको अपने क्लीन फेस पर पहले आपने फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपने ये लगाना है। और जब भी आप इसको लगाओगे तो फ्रेश बनाइएगा, फ्रेश लगाइएगा, क्योंकि आपने इसको स्टोर नहीं करना है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, ये ख़राब हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा प्रॉपर वे से। तो आपने जब लगाना है तभी आप लगाइए और हाथ के हाथ उसी टाइम आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो ये देखिए आपने इस तरह से डाउन टू अप डायरेक्शन में अपने फेस पर लगाना है और 15 से 20 मिनट इसको सूखने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप पील ऑफ कर लीजिए, या फेस वॉश करना चाहते हो फिर उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। टेंटन एंड ये देखिए रिजल्ट कितना अच्छा है ना, कितना अमेजिंग रिजल्ट है।
बहुत ही कमाल का ग्लो आया है पहली बार के यूज़ से ही, तो आप भी यूज़ कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, भरभर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।